इसमें नारियल की चटनी ये चटनी सबसे लव द वे अरमान ट्रीट डियर इन लॉज शोर थी वाले बाबा दोनों माए इसको सांप सांप सिखा रही। तो गाइस आज मैं मिलवाने वाला हूँ हरियाणा की आन बान शान। तो भैया मजेदार से फ्लैट में आ गए हैं हम। नमस्कार गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो गाइज सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वॉइस में क्या डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि मैंने लगाया एक मजेदार सा माइक की आवाज और अच्छे से आए। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सांभर डोसा बनेगा, इसमें नारियल की चटनी। ये चटनी सबसे किसको पसंद है? मेरे देखिए गोलू, संदीप गोलू मेरी रील पे देखिए, आपको पसंद आ रहा है चटनी? मेरी रील पे मैसेज आ रहा है आपके पैर ठीक है? तभी मैंने कहा मैं पैर को गोलू को समझा दूंगी कि अगली बार आधा बनाना आधे आप बनाना। सांभर भी समझा दूंगी, ये थोड़ा एक बार समझ लो तो आ जाएगा। हाँ। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ चीना को जो चोट लगी थी, अब उसकी हालत आपको दिखा देता हूँ। पर पूरा पैर स्वेल है। स्वेल है? हाँ। बोलना पड़ता बेटा, बेटर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। ये देखो ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा जख्म है। तो कैसा लगा आपको चंडीगढ़ आके मैडम? लोगों ने मजा आया। तो गाइस नहीं, मुझे कमेंट करके बताना किसने वो वीडियो को वो क्या बोलते हैं तीन बार देखा। हाँ, बैक कर, करके देखा। हाँ, बताना इसको चीना का दर्द हुआ। और अगली बारी अगर चीकू के साथ किसी को रेस लगानी है तो वो भी आप वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। बाबू वो दूध है ना चीकू की बोतल में हरी मिर्च बस, उसमें गरम मत कर बेटा, मेरे को कॉफी पीने सर दर्द हो रहा है। ये ले छोड़ा, तो क्या बना रहे हो आज? डोसा बनाएगा, बनेगा डोसा। ये छोलों की दाल भिगो के रखी है, इससे चटनी बनेगी, नारियल चटनी। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मम्मी बहुत ही जबरदस्त डोसा बनाती है। और मैं कल सोच ही रहा था पर ये ले आए, क्या होता है ना आपकी माँ को आपका पता होता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। सही हाल है जी? सही बात। मम्मी सबको रेसिपी दिखा देना आप, ठीक है? हमारे सारे फॉलोअर्स को तो फ्री रेसिपी मम्मी दिखाएंगी। सब साउथ इंडियन बन जाओ, सब साउथ इंडियन बन जाओ। पंजाबी धर्म छोड़ रहे हो क्या? तो नितिन भाई कर रहे हैं अभी एडिटिंग चीकू का ब्लॉग, और चीकू का ब्लॉग आपने देख ही लिया है, आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। चीकू की आपको हरकतें दिख रहेंगी। जो आप डोसा बनाते हो तो आप वो कटोरी से बनाते हो गोल? हाँ कटोरी से। क्योंकि मेरा पाल का कटोरी से नहीं बनता, हम तो चमचे से ऐसे से करते हैं। मैंने पाल ने बनाया था डोसा, पता कैसे? अब ये तवा है, अगर हम चमचे से घुमाते हैं ना तो थोड़ा बहुत गोल बनता है, कटोरी से ना ऐसे फट जाता है, फट जाता है, चिपकता हमारा सही नहीं बनता। आज कटोरी से सिखा देना। कोई बात, आप कैसे कटोरी से ऐसे गोल? हाँ छोटी कटोरी नहीं है इतनी सी, उसको उसमें लेके ऐसे एक कटोरी भर के फैला दो, एक मिनट में फैल जाता है। नहीं वो चिपक जाता है ना वापस, कटोरी नहीं बन जाता है। उसकी क्वांटिटी ज्यादा लेती हूं। नहीं फिर आप क्या करते हो, जब डालते हो ना आप डालते उसको घुमाते नहीं हो, उतनी देर में वो गर्म हो जाता है, मतलब वो जो फ्लेवर है इतनी देर में गर्म हो जाता है, गर्म होते वो चिपकने लग पड़ता है। आपको उसी टाइम डालते ही फटाफट फैला देने, आप तवे पे रख देते हो, तवे पे गर्म होते ही वो कट्ठा कट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब कट्ठा होगा तो फैलेगा कैसे? आप ऑलिव ऑयल डालते हो बीच में रिफाइंड? वो तो बाद में डलता है, पहले तो कुछ भी नहीं डलता, तो बाद में डलता है। सिखा देगी ना, इतनी बातें कर रही है, सिखा देगी मम्मी को बता। बनाऊंगी एक दो, हमने डोसा ट्राई किया था ना, ट्राई किया था कुछ टाइम पहले, तो जो डोसा था ना बैटर डालते ही ना हम ऐसे कर रहे थे, वो पूरा चिपक के वापस कटोरी पे आ रहा, फिर हमने चम्मच से थोड़ा 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 करके बनाया। नहीं अभी मैं बनाऊंगी। हाँ अभी मैं एक्सपीरियंस बताओ, कम से कम 15-20 साल से बना रही हूँ डोसा में, तो मेरा तो कोई खराब ही नहीं होता बिल्कुल। पहला डोसा भी खराब, कई बार पहला हो जाए चिपक जाए, तो हल्का सा पहला हो जाए, वैसे पहला भी नहीं होता। तो चीना तेरे को मौसम कैसा लगा यहाँ का? धूप है लेकिन धूप में भी ऐसा सुकून है, यहाँ का इतना प्यारा है ना व्यू, सबसे बेस्ट मुझे लगा यहीं पे सीधा, यहाँ का इतना प्यारा वेदर है, जैसे दिल्ली जैसा नहीं है, किच 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 बहुत अच्छा है। तो मजा आया मतलब बहुत। फिर आऊंगी मैं थोड़े टाइम में अकेली। हाँ अब रह के जाऊंगी, अभी मम्मा साथ हूँ ना, अब मम्मा को छोड़ के फिर आऊंगी। इतना मत सिखाओ आज, समझ नहीं आएगा, एक ही साथ थोड़ी इतना समझाऊंगी। तीन कटोरी चावल एक कटोरी। हाँ, वो 1/4 और उसको भिगो लो, भिगो के उसको पीस लो, पीस के 12 घंटे बाहर रखना, बस सिर्फ 12 घंटे। तो गाइज आज बहुत ही प्यारा डिलीशियस डोसा बनाने वाली है मम्मी, तो आप मम्मी वाली रेसिपी ट्राई करना, हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं बस इतना कह रहे हैं, ट्राई करना, शायद आप लोगों को भी उतना ही पसंद आए जितना इनको और हमको आता है। वहाँ क्या जा रहे हो? कमेंट कर दीजिएगा जो कमेंट आए। अच्छा कौन सी? चीना वाली वीडियो? जी जी जी। बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, हॉस्पिटल में है सहनाज, बता। हाँ जी हाँ जी। बुरा लगता है यार बहुत। चलो भगवान के आगे किसके सामने। आई फील सैड फॉर पायल, बहुत स्ट्रांग लड़की है। अरमान सबसे अच्छे से ट्रीट करते है, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे कोई भी घर में इंसान हो, कोई भी नया टीम मेंबर हो, कोई भी हो। सिद्धार्थ शुक्ला को कौन कौन कर रहा है मिस, कृतिका की फैमिली देख के पायल को भी अपनी घर की याद आती होगी, एक बार उनकी फैमिली से भी मिलना है सबको। तो आप लोगों के लिए जो मेरी फैमिली है वो यही फैमिली है, तो आप लोगों को अगर मिलना है तो मेरी यही फैमिली है, आप इनसे मिल सकते हो, ये अभी घर पे आए हुए हैं। चीना, मेरा पैर पहली बार इतनी तेज मुड़ा,
है। चीना बोल रही ऐसा नहीं है, वो बहुत गिरती रहती है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, बट वो बहुत चोट लगती है उसको। को देख के पता चल रहा है वो कितनी दुखी है पायल। यार ऐसा कमेंट्स क्यों करते हो आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। पायल कभी भी दुखी नहीं रहती। इतने नंबर बनाते ना लोग, पायल इतनी दुखी है, पायल वो कौन सा। आई लव एंड रिस्पेक्ट पायल, थैंक यू सो मच। RIP सिद्धार्थ, बिल्कुल हम भी उन्हें उतना ही मिस कर रहे हैं जितने आप लोग मिस कर रहे हैं। अरमान जी, पायल आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया और आपको इतना सुंदर बेटा दिया आपने गिफ्ट में, स्वाति पायल को भी टाइम दो। देखो आप, मैं क्या बोलूँ, आपके जो यूजर नेम है वो लड्डू गोपाल जी, तो प्लीज उनको देख के तो अच्छे कमेंट करो, ऐसे तो आप कर नहीं सकते। अपना यूजर नेम देख के अच्छे कमेंट कर लो, भगवान जी का यूजर नेम है, कमेंट हमें ऐसे कर रहे हो। यार देखो चोट लगी है इतने इस ब्लॉग में, स्वाति को चोट लगी है इतनी ज्यादा, फिर भी आप लोग मेरे नाम से कमेंट कर रहे हो घर वाले घर वाले घर वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फैमिली यही है। तो आप थोड़ी सी सोच बदलो अपनी, और जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी ही रखो, नेगेटिविटी मत लाओ। तो बस यही बोलूंगी, आप लोगों के काफी कमेंट्स है, चोट के रिगार्डिंग तो नहीं है, बाकी उल्टे सीधे है। पायल जल्दी से ठीक हो जाओ, आपकी कॉमेडी के बिना मजे नहीं आते। थैंक यू जी। चीना मेरा पैर पहली बार, ये तो हो गया। पायल क्यूट है वैसे, वो कम बोलती है, मींस वो अपने काम से काम में मस्त रहती है, इसका नेचर ही ऐसा है, ज्यादा चुलबुल नहीं है। तो मेरे से ज्यादा चुलबुल कोई नहीं है इस फैमिली में, कोई भी नहीं है। भाई अरमान आज तो पूरा कॉमेडी व्लॉग आ गया, क्या गिरी मैडम, बहुत ही मजेदार गिरी। आप भी देखो एक बार कभी गिर के, आप भी मजे लेना, ठीक है, आप भी गिरना। अरमान भाई अपनी फैमिली, लव यू चिकू, थैंक यू सो मच। पायल बेस्ट, थैंक यू यार। कुछ लोगों ने नाइस व्लॉग लिखा भी, ऑयल लगाना कोकोनट अच्छे भी है। ग्रेट सर, योर मदर इन लॉ इज ऑसम। मम्मी आपके लिए आया ऑसम, जय जोकर है। पायल की वजह से लाइक और कमेंट आ रहे हैं, सो क्यूट पायल, थैंक यू पायल दी, लव यू सो मच, थैंक यू पायल, बहुत स्ट्रांग है सब कुछ, कितनी सबसे मजेदार व्लॉग है ये वाला, योर फॉर गिविंग। तुझे तो हर महीने याद आना चाहिए। कृतिका जी आप अपनी सिस को भी फिट होने के लिए बोलो, जैसे आप वो तो सब बोलते हैं, मैं ही नहीं मान रही। पायल आप कंफर्टेबल हो जाती, थैंक यू। देखो आप लोग ऐसे कह रहे हो गोलू की माँ कम प्यार करती है पायल को, गुस्सा दिखा रहे हो आप, तो ऐसे कोई बात नहीं है, जितना वो मुझसे प्यार करते उतना ही इनसे प्यार करते। ये सफाई मत दे लोगों को, मत दे ना, कहां से आए डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाते, तो मैं इतनी बीमार नहीं थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े। पायल अपनी फैमिली, सो स्वीट फैमिली, थैंक यू। तो आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, अमेजिंग। तो ये हमारा जो है, ये हमारा टैगलाइन है, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है बोलना, मजेदार, तभी हमारा ब्लॉग होता है मजेदार। एक बात है, एक बीटा जी ने तो लगाई थी, इधर बोलो, इधर मम्मी, इधर इधर इधर। मैंने कहा अगर पायल को हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो स्वाति को कौन लेके गया, दवाई खरीदा है, और बाजार से वो भी रात को 2 बजे जाके एक बीटा जी नहीं लेके आए थे, पता नहीं लोगों को कुछ समझ नहीं आता। असल में क्या होता है ना, अपना घर नहीं देखते, अपने घर में बीवियां पड़ी है कोनों में, जो उसको कोई भी दिक्कत हो पूछते भी नहीं उससे कि क्या हुआ तुझे, और लोगों की बीवियों पे नजर रखते हैं। हां शिक्षा भी देते ना उन्हें। इसमें लिखा है इसमें चिकू की कोई गलती नहीं है, कि उसको क्या पता था कि मासी गिर जाएगी, बिल्कुल ऐसा कभी भी हो सकता है, और हो जाता है, जो होनी है वो तो होके रहेगी। पायल जी, चीकू जी, चीकू नानी को भी दिखाओ, आपकी फैमिली को भी देख लो, यही है मेरी फैमिली, देख लो। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। जबरदस्त सा शूट होने वाला है, तो अभी तैयारी चल रही है एक नए कॉन्सेप्ट की, देख लेगा इंस्टाग्राम पर। तो अभी दोबारा से शूट, गुड्डू आपके आंख में बाल आ रहे हैं, आपके छोटे बना दो, अभी इतने बड़े बाल है ना, नहीं बन जाएगी, देखो मैं अपने बन जाएगी, चीकू जैसी बनेगी, सेम चीकू जैसी बनेगी। चीकू आज बना के रखना, चीकू बोलते हैं ना आपके जैसे बाल चाहिए, आपके जैसे बाल, आज उसके जैसे बाल आपके क्या उसको अच्छा लगेगा, देखो दिखाना शक्ल, बहुत प्यारे लग रहे हो। गाइस कमेंट करके बताना ये छोटी कैसी लगी, मैं ऐसे रहना शुरू कर दूं छोटी वाले बाबा। ये क्या बनाया, ये आपकी औलादों ने बनाया, दोनों ने, सुबह चीकू का हाल कर देते हो, शाम को संदीप का, ऐसे ही करते हैं, बाल आपके आते हैं ना, तो अपने अपने नकली बाल लगा रखे हैं, असली इनके बांध देते हैं, सही लग रहा हूँ वैसे ना, ठीक है ना, पड़े रहेंगे, थोड़ा पीछे कर सकते हैं, थोड़ी छोटी को पीछे कर सकते हैं।
इससे पीछे क्या होगी, छोटी सी जूड़ी है, छोटी सी ये क्या बैठेंगे, खड़े रहेंगे तो इतने बड़े ही जब होंगे ना, या तो क्लिप लगा दो, स्ट्रेट वाले ना लग क्लिप लगा दो, नहीं नहीं इतना ही बागल वागल है, खड़े रहेंगे ना, खड़े रहेंगे तो क्लिप लगेंगे, ये तो गरीब चोटी नहीं होती, अब बाल खड़े नहीं होंगे, ये तो गरीब चोटी लग रहे हैं मुझे, हमें गरीब चोटी लग रही है, अच्छी लग रही है, लाओ चलो छोड़ हटा दो, छोड़ देते नहीं लगी, लेकिन चोटी लगा के रखना, चीकू आके देखेगा, हाँ सही है, पीछे पड़े रहेंगे, चालू जाएगा, आने वाला है राज गया ना लेने, ओए दीपिका इधर आ, चोटी देख तो पहले, इधर आ जल्दी आ, बर्तन तो रखे अगला, सस्ती बता दे भाजी, की हाल चाल ठीक है, आज ब्लॉग जाना तो फॉल फॉल सुनाओ, बढ़िया सर बढ़िया, दीपक मैं तो काम दिखाना दोनों, मेरे रूम का वो पंखा दिखा दे, वो बहुत स्पीड से चल रहा है, ये बाहर का रेगुलेटर 3 बार चेंज करा लिया, पता नहीं वो शायद सीलिंग है पीछे क्या है, वो बार बार खराब हो रहा है, कोई बात नहीं चेक कर लेंगे, एक तो ना इतने घुमाना लो, ठीक है जी, एक ना पंखा बहुत तेज चलता है, वहाँ मुझे दिक्कत लग रही है, 2 बार चेंज करवा चुके हम, वो देखो आप, वो ना वो देखो वो कील निकल गया वहाँ से उसके ऊपर, जिस वजह से ना पर्दा नीचे आ गया, ओके सर ओके हो गया, वो हाँ वो तो उसका रेगुलेटर खराब था ना थोड़ा सा, वो ठीक हो गया यार, वो बार बार खराब हो रहा है रेगुलेटर, वो पानी भी सीलन भी दिखा ली मम्मी, क्या करूँ बताओ, बहुत बार दिखा दिया मैंने तो, 3-4 महीने आपको मतलब 500 रुपए के 3 आ गए घुमाने वाले पूरा सेट, कोई बात 1500 रुपए तो यही हो गए, दीपक बहुत मेहनती लड़का है और ये मेहनत करता रहता 24 घंटे, घर आपका हो या रेंट का उसको केयर करनी बहुत जरूरी है, नहीं सर सही कह रहा हूँ बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको ठीक करवा लेना चाहिए, बाद में बड़ी हो जाती है, ये हैवी है पाजी थोड़ा सा ना, इसलिए वजन वजन आ गया इसके ऊपर ना, इसके जो द्वार है यहाँ पे द्वारों में जान नहीं है, अरे नहा लो यार नहा लो, मम्मी का हो यार इनको, मैं नहाने वाली जाएंगे आज, मम्मी को शर्म नहीं आती ना, मैं नारियल का तेल लगा के नहाऊं, चोट है ना मेरी, नहाने वाली मम्मी ने बोला ना नहाऊंगी, आपको लगता है ये नहाएंगे, मैंने कहा था मम्मी मुंह हाथ धोगी, मम्मी के लिए नहाएगी नहीं, मैंने कहा अच्छा कल तक मम्मी आप सुनाने, तो गाइस चीकू का ब्लॉग बन रहा है और नितिन भाई वीडियोस बना रहे हैं और चीकू मस्ती कर रहे हैं और बहुत ज्यादा दोनों माए इसको सांप सांप सिखा रही हैं और चीकू की तीसरी आंख दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट दीजिए, मां पीछे के लिए रखा है, प्ले लग प्ले लगना है ना, पर बेटा हो जाएगा, हाथ दो बोला, हाथ दो वो कर दिए ना, सांप भी बन गया, सब बंद कर दिए, मां एक बेल्ट, बेल्ट थोड़ी होती है, देख पाई हो गया हाथ का, ठीक है अब तीसरा डमरू, त्रिशूल हां डमरू अभी बना, ये सांप ये सब गिर क्यों गया, नहीं वो गले पे लटका हुआ है ना, बोलो नहीं सीधा कर रखना, दिखाइए चीकू इधर दिखाइए, थोड़ी चिपकाई है थोड़ी नीचे चिपका दी बेटा, तेल गोल्ड की है ना भगवान, मम्मी को कुंडल बनाने नहीं आए तेरे, कुंडल ऐसा तो इसको घुमा दो ना, ये लो रिंग के ऊपर सॉलिटेयर, कितना सॉलिटेयर वाली रिंग है, कुंडल है कहीं, इस तरफ दिखा, इस तरफ दिखा दे, ये कुंडल है क्योंकि कुंडल ना घूम नहीं रहा, चिपक नहीं रहा था तो मैंने यहाँ से एडजस्टमेंट कर दिया, रुक जा चीकू का सांप गिर रहा, चीकू कुंडल, चीकू रिंग पे ना, कोई कुंडल है, बहुत अच्छा कुंडल बना था, चीकू सॉलिटेयर है बेटा ऊपर, त्रिशूल चीकू की आग गिरने वाली है, गिरने वाली है, अब चीकू के हाथ में पकड़ा दो, चीकू पकड़ो दो डमरू, अब ये बजना ऐसे बढ़ता है, तो गाइस आज मैं मिलवाने वाला हूँ हरियाणा की आन बान शान हमारे जीतू भाई है डायरेक्टर भाई, तो बहुत ही मजेदार डायरेक्टर है हमारे बड़े भाई, तो इनके साथ अभी गाने आने वाले हैं और आप भी देखोगे, और ये मेरी खुश किस्मती है कि भाई मुझे मिलने आए स्पेशली हरियाणा से, नहीं तो भैया हमें जाना पड़ता है, अरे भाई ऐसी बात नहीं, घने दिन हो गए थे अरमान से मिले हुए और चंडीगढ़ का मामला था, तो भाई हाँ भाई तुम आगे बड़ा मजा आ गया मिलकर अरमान से, और भाई ने दुमा ठहर के अरमान, बाकी मिलते रहेंगे ऐसे, अरे यार अरमान घर तो बढ़िया है, मजा आ गया, मजा आ गया, होटल फैल हो गया, कच्ची होटल सब कुछ फैल, इधर पे चलो इधर भी दिखाता हूँ, चलो इधर भी देखो, क्या बात है यार, ये तो मतलब ऐसी फीलिंग आने लग रही है, कितनी आउट ऑफ कंट्री की यार ये अरमान, बहुत बढ़िया मजा आ गया, तो बताओ फिर बनता है ना 5-स्टार होटल में, 5-स्टार से भी 5-स्टार 7-स्टार नहीं, मुझे बुलाने के बाद 5-स्टार में रखना बनता है ना, भाई रखना बनता कोई बात नहीं भाई, मैंने पहले भी नहीं किया यार, तो दादा ये यहाँ की लोकेशन है, अच्छा तो भाई बहुत मजा आ गया भाई, लोकेशन भी एक नंबर की जगह है भाई, दिल्ली से ठीक लगा मुझे, दिल्ली से हरियाणा की तरह ही है, खुला बिल्कुल बिल्कुल खुला इलाका, और थोड़ा ना ये वातावरण भी बहुत बढ़िया है, लोग बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल, तो दादा बहुत जल्दी पहुंचे वैसे आप, मजा आ गया जल्दी पहुंची, आपको कैसे लगा यहाँ पे सारा सिस्टम, यहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मजेदार एकदम, दिल्ली से अच्छा हैदराबाद से अच्छा मुझे यहाँ पे लगा, यहाँ पे दिल लग गया ऐसा लगता है, तो भैया आपको लेके चलते हम हमारी टीम के
दूसरे वाले फ्लैट पे और दिखाएंगे क्या कर रहे हैं सब लोग। जीतू जी हमारे साथ है। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, हरियाणा में कोई भी गाना अगर मुझे करना होगा तो जीतू जी संभालेंगे। आप इनसे बात कर सकते हो, इनका नंबर मैं डाल दूंगा, कभी भी इनको आप परेशान कर सकते हो। तो भैया मजेदार से फ्लैट में आ गए हैं हम। और बेटे क्या हाल है, कहाँ है हमारी टीम, कहाँ है? अरे प्रिंस है, हाँ बेटे क्या चल रहा है? तो जीतू दादा ये कल ही लिया है। अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, अच्छा प्रोग्राम, बहुत काम चल रहा है। जो प्रिंस है ना वो म्यूजिक का काम करता है सारा। अरे वाह, ट्रैक ब्रेक बनाना है। बहुत बढ़िया, कल सारा सामान रखेंगे। तो गाइस ये है हमारा फ्लैट। तो गाइस ये वाला फ्लैट है जहाँ पर हमारी चार लोगों की टीम रहती है, यहाँ पर चार लोगों की हार्डी की घर पर। तो थोड़े दिन में पूरा सेटअप दिखाएंगे, तो वेट एंड वॉच। कमरे दिखाता हूँ मैं आपको आज। लाइटिंग चलेगी थोड़ी सी, मजेदार सा रूम है, बाथरूम भी अच्छे हैं। और बाहर से दिखाता हूँ, शीशा वीशा भी लगा हुआ है। आते रहेंगे हम यहाँ पे। तो किचन है, आते हम राम का इंटरव्यू लेते हैं, राम भी एडिटिंग करते हैं। ये अपना गाने ब्लॉग की एडिटिंग सब करता है। और जो वो है ना प्रिंस, वो म्यूजिक का संभालता है सारा। और जो कैमरे के पीछे ना ये राज, ये छोटा भाई है, ये मुझे संभालता है कि मैं क्या करता हूँ। ये भी रूम है, यहाँ पर मजेदार से रूम है। और ये गैलरी है, ये सुबह भाई ये 5 बजे सोया है एडिटिंग करके। तो गाइस अभी भी यहाँ पे छपी एडिटिंग, ये राम भैया लगे हुए हैं, हार्डी भैया की मेहनत है इसके पीछे, और अरमान भैया की तो बहुत मेहनत चल रही है। और आपको सरप्राइज देंगे बहुत जल्दी, आप चीजें बता नहीं रही है तो ब्लॉग एडिट करके। ये भैया वही है जो क्लब वाला है, क्लब वाला वो मैंने आधा कर दिया है। देखो क्लब वाला दिखाता हूँ। तो भैया आज जीतू दादा के साथ बहुत मजा आया मुझे घूम के। और भाई मन नहीं मजा आया, हमारे खिला घूम के। जीतू दादा ने टीम भी देख ली है और कुछ नई चीजें प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट। और जहाँ से मैं हूँ हरियाणा से, तो हरियाणवी सॉन्ग भी आने वाले हैं। बिल्कुल, तो बने रहे हमारे साथ। बाकी जाते रहेंगे हम जिम, पतले हो जाएंगे और भी।